अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अली मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं F9 पार्क इस्लामाबाद में। आज के इस एपिसोड में मैं आपको F9 पार्क दिखाऊंगा। इसमें जो डिफरेंट जो इसके पार्ट्स हैं, मतलब चिल्ड्रन जोन है और एक गेमिंग जोन है, वो आपको दिखाऊंगा। बाकी डिफरेंट इसके जो ग्राउंड हैं वो आपको दिखाऊंगा। ये बहुत ज़बरदस्त पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है एंड ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क है दोस्तों। आपको शायद ये बात मालूम ना हो, ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। अच्छा दोस्तों, आप लोग कह रहे होंगे जी मेरे साथ कौन बैठा है इस वक्त, तो मेरे साथ जनाब बैठे हैं मिस्टर हसन अब्बास। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल? ठीक ठाक ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त बेहतरीन। हसन, तुम्हें मैं अपने साथ इस पार्क में लेके आया हूँ, तुम पहले भी आ चुके हो गए, तो कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है आज? बिल्कुल जी, बहुत बड़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि इस्लामाबाद में आपको पता है कि लास्ट वीक बहुत ज़्यादा ठंड थी, मई में भी बर्फबारी पड़ी थी। सही सही सही। इस वजह से आज बहुत ज़बरदस्त किस्म की धूप निकली, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं धूप अपनी फैमिली सब इन्जॉय कर रहे हैं। बेसिकली ये पार्क है ही इस चीज़ के लिए कि यहाँ पर लोग ज़्यादातर वॉकिंग ट्रैक में आते हैं वॉक करने के लिए। शाम को हम अगर आप आएँ यहाँ पर, शाम को आप देख सकते हैं कि लोग वर्जिश के लिए आ रहे हैं, वॉक के लिए आ रहे हैं। उसमें बेसिकली ये जो पार्क है ही फैमिलीज के लिए, तो फैमिली साथ आते हैं पिकनिक वगैरह की और तैयारी की। अच्छा जी, हसन भाई आपकी शादी भी पड़ी है? नहीं अली भाई, अभी तो नहीं है। अच्छा, बार बार फैमिली कह रहे तो मैंने कहा शायद वही पड़ी। नहीं नहीं, असल में आप देख सकते ना फैमिलीज आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा दोस्तों, हम लोगों से चिट चैट करेंगे एज यूजुअल, हमेशा करते हैं, हंसी मजाक करेंगे। कुछ मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं वो लोगों से पूछेंगे। वैसे पार्क में इतने लोग मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन कोशिश करूंगा कि एंटरटेनिंग एपिसोड बने आज की। और मेरे साथ क्योंकि हसन है, ये भी एक ज़बरदस्त इंसान है, फिट बंदा है, शुगर मेले वाला बंदा है, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है हमारे साथ आज। जो भी होगी तो आप लोगों के सामने होगी। बाकी फ्रेंड्स, मुझे बड़ा मज़ा आया आप लोगों का फीडबैक देख के। आप लोग मेरे व्लॉग्स पसंद कर रहे हो, उनको लाइक कर रहे हो, देख रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, और कमेंट्स में कुछ लोग बहुत प्रोमिनेंट हैं, लाइक मैं चाहता हूँ उनके नाम लूँ, थोड़ा उनको मेंशन करूँ जो कमेंट करते हैं, फीडबैक देते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है वो देख के। तो उनमें जो टॉपर्स हैं कमेंट्स में, वो फरवा है, ज़ीशान है, और अली रज़ा खोखर है, एनी अली है, वकास है, और रुबाब है, फुरकान है, तो काफ़ी सारे मेरे जो दोस्त हैं जो कि कमेंट्स करते हैं इस पर, पसंद करते हैं मेरे व्लॉग्स को, और उनकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हसन ये सही नहीं है कि बंदा जब किसी के कमेंट देखे तो बंदे खुशी होती है कि यार मेरे अभी भी देखें ना, आप मेहनत करते हैं अपने व्यूवर्स के लिए कि डेली आप ब्लॉग बना रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत करके वीडियोस डाल रहे हैं, उसका फीडबैक अच्छा मिले आपको, डेफिनेटली बंदों को खुश होगी कि यार मैंने जो मेहनत की है उसका मुझे रिवॉर्ड मिला। तो जो आप लोगों में से मेरा ये व्लॉग देख रहा हो, जिसने अभी कमेंट ना किए हो, जिसने सब्सक्राइब ना किया हो, तो मेरी उसे विनती है, मेरी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो मेरी वीडियोस को, और शेयर पता नहीं तुम करते कि नहीं करते, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करता, पसंद अगर आए तो ज़रूर शेयर करना। और अभी हम लोग निकलते हैं आगे जाके, आपको लोगों से मिलवाते हैं और डिफरेंट पार्ट्स दिखाते हैं इस पार्क के, जो काफ़ी देखने के काबिल हैं। मतलब कभी आप इस्लामाबाद में आते हो या आप इस्लामाबाद के रहायशी हो और यहाँ पर नहीं कभी आपने विज़िट किया, तो ज़रूर आओ देखो, ख़ासकर इस मौसम में। अभी जनवरी चल रहा है हमारा, ये जनवरी का मिड है, आई थिंक जनवरी का मिड है, बहुत प्यारा मौसम है इस वक्त। देखो पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो, बाकी आपको ओवरऑल मैं अभी विज़िट भी कराऊंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त लोग यहाँ पे कितना इन्जॉय करें। हल्की हल्की धीमी धीमी सी धूप निकली हुई है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, और मैं और हसन यहाँ पर बैठ के इन्जॉय कर रहे हैं और आपको भी इंजॉय कराएंगे। माल्टे लाना भूल गए थे अली भाई। हाँ, माल्टे ले आते ना, तो ये खा लेना, तो मैं खा लेता, तो हमारा काम व्यस्त हो जाता। चलो कोई नहीं, क्या पता मैं यहीं कोई माल्टे वाला मिल जाए, काम से व्यस्त। हाँ चलो दोस्तों, उठो मेरे साथ, चलो निकलते हैं, अपने सीन शुरू करते हैं। आओ जी, कम ऑन, लेट्स गो। दोस्तों F9 पार्क में मैं अभी पहुंचा हूं, यहां पर मैंने अभी स्टार्ट किया है, और सबसे पहले मुझे एक दोस्त नज़र आया यहां पर, धूप एंजॉय कर रहे हैं,
बड़ा ज़बरदस्त माहौल बनाया है इन्होंने। ये देखें जिन्नू वगैरह भी पड़े हुए इनके पास और इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं। अच्छा, कुछ आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है और आप क्या आपका प्रोफेशन है? मेरा नाम खानजादा सुजान फतेह है और मैं यहाँ इस्लामाबाद में हूँ। तो मैंने बी ए किया हुआ है मुख्तलिफ डेवलपमेंट सेक्टर के एनजीओज़ में। ठीक ठीक है, काम करता हूँ, लेकिन साथ साथ मैंने रक्स भी सीखा हुआ है। अच्छा, से कथक और भरतनाट्यम तो वो भी मैं करता हूँ। वो सोशल कॉज के लिए होते हैं, वुमेन राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स, मुख्तलिफ़। मतलब आपका जो ये सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप एज अ हॉबी और एज अ सोशल वर्क? बिल्कुल, सोर्स ऑफ इनकम काश हो सकता है, लेकिन वो हो इसलिए नहीं सकता कि रकासों को कोई पैसे नहीं देना चाह रहा होता ना। बाकी हर एक चीज़ के लिए लोग पैसे देते हैं, लेकिन डांसर्स को नहीं मिलते जो कि मिलने चाहिए। तो जाहिर है एज अ प्रोफेशन आप इसको नहीं करवा सकते। तो ये पाकिस्तान में ये सीन है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बाहर के मुल्क में भी डांसर्स को बहुत मुश्किल का सामना है, लेकिन पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किल। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप यहाँ पार्क में आए हैं, रेगुलर आते हैं, आज आए हैं, कैसा लगा पार्क? मैं तो बहुत पार्क से बाद आया हूँ और ये दोस्तों की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है। वरना तो ये धूप ना इंजॉय कर सकता होता, और ये जो मज़े हैं कुदरत के और जो धूप के। वाकई ये हम आपने नोट किया है कि हम लोग नेचर से कितना दूर हो गए? ख़त्म हो गया हमारा नेचर से, तालुक ही नहीं है, क्योंकि नेचर में भी आके हम लोग मोबाइल पे ही रहते हैं, मोबाइल के अंदर डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे हम लोग। हाँ, नेचर का मज़ा लेने के लिए भी हम लोग मोबाइल का सहारा ले रहे हैं। वैसे उसी में डॉक्यूमेंट्री नेशनल ज्योग्राफी को देख रहे होते हैं कि हमें नेचर का मतलब देखने को मिल रहा है। और इसके हमारी सेहत पे बहुत मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, हमारी सोशल लाइफ पे, हमारी फैमिली लाइफ पे बहुत ज़्यादा मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। और इसका हमें एहसास भी है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को नहीं बदलना चाह रहे हैं। खबर में ना सोशल मीडिया के खबर में मसीहतर घुसते चले जा रहे हैं और फर्क होते चलते हैं। एस्केप क्या है इसका? हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्या चेंजेस ला सकते हैं कि हम लोग इस चीज़ से बच जाएं, इस रूटीन से हट जाएं हम लोग? तो मोबाइल को साइलेंट कर लें जब दोस्तों के साथ हो, ये मुश्किल है। और जो है ना, दूसरी बात ये है कि कम से कम रहें, ज़रूरत की हद तक रहें, फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप पे भी। और इसको जो है ना सांस ना लें, चूँकि ये आपकी सांस ले लेगा। मतलब यही होता है ना कि फैमिली में हम लोग बैठे होते हैं वालदैन के साथ और कोई आपस में बातचीत नहीं हो रही होती और मोबाइल पर सब करते हो। तो मतलब ये तो कि सोशल लाइफ हमारी जो असल वाली जो है फैमिली लाइफ, वो तो नहीं रही। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो आपसे मैंने फीडबैक ले लिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, इंशाल्लाह मेरा चैनल जरूर देखिएगा। ज़रूर ज़रूर, क्यों। पीछे देख रहे हैं जी बैकग्राउंड में, मेगाज़ोन एक बहुत ज़बरदस्त जगह है जहाँ पे आप गेमिंग कर सकते हो, फैमिलीज को लेके आ सकते हो, और पीछे बच्चों के झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। तो इस हवाले से आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे आप कौन कौन सी गेम्स खेल सकते हो। जी आप स्विमिंग कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं, डिफरेंट गेम्स हैं, फैमिली एंटरटेनमेंट है, रेस्टोरेंट बन गया भी आप, डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे गेम्स हैं, बॉलिंग है, स्नूकर है, स्विमिंग पूल है।
Thank you.